यहाँ पे लोग आते रहते हैं अभी बीच में, इस बात का ध्यान रखना होगा। ओ भाई साहब, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल यूपी 79 राइडर्स। स्वागत मैं उपकता हूँ, सारे भाई बड़े हो गए, मैं भी एकदम बड़ी हूँ। वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस देख सकते हो अपनी बीस्ट खड़ी है अपने सामने, देख सकते हो काफ़ी गंदी वगैरह कंडीशन हो चुकी है वेल इंजन वगैरह के नीचे से, और साइलेंसर वगैरह पे कितनी ज़्यादा डस्ट वगैरह रखी है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हो रही है अपनी यूपी में रेन, हैवी रेन हो रही है, मेरी सिटी हो रही है, मैं भी हो रही है, तो इस रीजन से। बाकी अब आपको साउंड वगैरह बढ़िया आया होगा क्योंकि मैंने बैजर वगैरह डाउन कर लिया, तो आप देख सकते हो नीचे से अपनी मतलब बीस्ट वगैरह गंदी हो चुकी है, देख सकते हो अब यहाँ पे साइलेंसर वगैरह इंजन वगैरह पे काफ़ी मिट्टी वगैरह टैंक वगैरह पे भी आ रखी है। बाकी भाई लोग यहाँ पे तो मिट्टी वगैरह जम भी चुकी है, देख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे जम चुकी है, तो उसको करेंगे वॉशिंग मैं करवाऊंगा ना, क्योंकि फालतू में 50 रुपये तो मैं उतनी अपनी अच्छे से हाइजीन तरीके से घर पे कर लूँगा, ठीक है, वॉश पाइप के थ्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया हूँ मैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, ठीक है, ये हम लोगों का रहने वाला है जालौन चौराहे वाला हाईवे, जो कोई भी भाई और ये लोकल दिख रहा हो तो ये जालौन चौराहे वाला हम लोगों का हाईवे रहने वाला है। बाकी मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि बाकी मैं यहाँ पे करने आया हूँ अपनी बीस्ट स्प्लेंडर प्लस BS6 की टोटल बॉडी वगैरह मैंने क्लीन कराई थी जब से सर्विस वगैरह में, तो उसकी मैं एक टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करने आया हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी देखते हैं इसकी मतलब टॉप स्पीड वगैरह कितनी निकलती है इस वीडियो में। बाकी मैंने टोटल बॉडी क्लीन कराने से मतलब पहले क्लीन नहीं कराई थी, उससे पहले मैंने इसकी टॉप स्पीड वगैरह की वीडियो बना रखी है, तो उसमें गैस ये गई थी 95 ईजिली, इतनी ही गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा इससे नहीं गई थी, क्योंकि गैस टोटल बॉडी काफ़ी गंदी वगैरह हो चुकी थी, 27,000 किलोमीटर टोटल बॉडी मैंने बिल्कुल छेड़ी नहीं थी, क्लीन वगैरह नहीं कराई थी, तो फर्स्ट टाइम कराई है। अब देखते हैं इसकी टॉप स्पीड में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, जो भी होगा आपके कुछ सामने होगा, तो इस वीडियो में आप स्टिल एंड तक बने रहना। और आप लोग की बाइक वगैरह भी मिसिंग वगैरह करती है, माइलेज वगैरह इवन कम वगैरह देती है ना, तो आप अपनी टोटल बॉडी वगैरह को भी एक बार क्लीन वगैरह करा लेना, उससे आपकी मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी चली जाएगी, ठीक है, और जो आपका पिकअप वगैरह ड्रॉप वगैरह हो रहा है उसकी भी प्रॉब्लम चली जाएगी, और आपकी बाइक में एक आएगा अच्छा खासा तगड़ा बूस्ट। 2-3 एंड गो, सेकंड गियर, मैंने गियर वगैरह जल्दी शिफ्ट कर दिया क्योंकि बाइक पर लोड वगैरह नहीं देना है हम लोगों को, बस टॉप स्पीड वगैरह इसकी टेस्ट करनी है, तो देखते कितनी जाती है, बाकी फुल खींचेंगे। देखते हैं कितनी जाती है, पहले तो मैंने टेस्ट की थी ना तो 95 एटलीस्ट लास्ट गई थी, इससे ज़्यादा गई नहीं थी, अब देखते हैं कितनी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यहाँ पे सामने देख के चलना पड़ता है, वो भाई साहब अभी 100 भी हिट नहीं की है इसने, आ जाओ बस जाओ, मैंने कहा था देख के यहाँ पे चलना पड़ता है, लोग ऐसे आते रहते हैं, वो भाई साहब देख सकते हो कितनी स्पीड में अपनी बाइक जा रही है अभी, लेकिन इसने 100 वगैरह हिट नहीं की है, 90 पे ही है, अब देखते हैं यहाँ से ढलान वगैरह आ रही है कितनी जाती है, हम लोग उसकी टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करनी है फुल, खींच देखते हैं कितनी जा रही है। क्या यार 100 की टच नहीं कर रही है, 100 तो एटलीस्ट टच होने जानी चाहिए यार, 100 भी नहीं हो रही यार, 95 की ऑलमोस्ट इतनी लास्ट आ रही है यार, के आसपास यार ये एटलीस्ट इतनी जा रही है, इससे ज्यादा जा भी नहीं रही है, क्या बात है यार, मैंने तो उसमें अच्छा खासा ऑयल वगैरह भी यूज़ किया, बाकी फिल्टर वगैरह मैंने अभी इसमें लोकल डॉलर रखा है, जो कि मैं 1000 किलोमीटर क्लॉक होने पे हटवा दूंगा, क्योंकि मुझे मिल नहीं पाया था ओरिजिनल वगैरह दें, ठीक है, तो बस वो मैंने डलवा लिया, तो बाकी मैं इसको ज़्यादा चलाऊंगा नहीं 1000 किलोमीटर पर, मैं उसको मतलब लोकल थोड़ा फिल्टर है तो उसको रिप्लेस वगैरह कर दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ी नहीं चलाऊंगा, 1000 किलोमीटर होने वाले हैं 100-200 किलोमीटर बाद, तो उसको करा दूंगा मैं रिप्लेस। बाकी आप बताना आप लोग टॉप स्पीड वगैरह कैसी लगी, यहाँ तक मैंने अभी इतनी खींच के देख ली, कुछ ज़्यादा फर्क तो मुझे लगा नहीं है, बाकी एक बार और खींचते हैं, देखते हैं कितनी जा रही है। बस यहाँ पे लोग आते रहते हैं अभी बीच में, इस बात को ध्यान रखना होगा, ओ
भाई साहब देख रहे हो कि यह बंदी कट निकाली उसने यार, ये बाइक वाले पे मुझे तभी भरोसा नहीं रहता है। नाइन्टी से 95 बस उतनी जा रही है, इससे ज्यादा जा नहीं रही है। थोड़ा और देखता हूँ मैं, 95 यार लास्ट है यार, कब जाएगी 100 तो कुछ हो जाए एटलीस्ट। अबे हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा 100 तो हो जा भाई। अरे ना कटाएगी क्या, 100 हो जा भाई, 100 हो जा, थोड़ी सी और थोड़ी इज्जत रख ले। अबे 100 हो जा। ओ भाई साहब मोटूल का क्या फायदा यार, 100 नहीं जाएगी तो। ओ भाई साहब चलो 100 तो चली गई अपनी बाइक, 100 चली गई है भाई साहब। ये होता है अपना मोटूल की क्या उनसे की पावर वाली स्मूथनेस बहुत है हैंडल बार पे, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन वगैरह आ रही है, वाइब्रेशन वगैरह हैंडल बार पे बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पे रोकता हूँ एक बार आपको साउंड वगैरह भी मैं सुना देता हूँ, थोड़ी हल्की सी साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे। सो भाई लोग मजा आ गया, 100 टच मैंने कर ली है। बाकी आप देख सकते हो कुछ अपनी बाइक का लुक ऐसा रहने वाला है जो कि मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। बाकी 100 वगैरह टच कर ली तो उसके साउंड वगैरह मोटर लिख के आता हूँ, सो सीरीज के बाद सुनाता हूँ। हटो तो ये सुन सकते हो आप भाई लोग साउंड वगैरह, ठीक है। अब मैं इसको रुक जाओ पास से सुनो माइक के थ्रू। एक 51 सीरीज के साथ मतलब ऑयल वगैरह डला है तो इससे साउंड वगैरह काफ़ी इम्प्रूव है। बैठो होप सो आप लोग सुनाई दे रही होगी, बाकी इसकी एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी सुन लो एक बार आप। अब एक बार इंजन वगैरह की साउंड भी सुन लो दोबारा। तो काफी स्मूथ वगैरह साउंड रहने वाला है अपने इस ऑयल के साथ, काफी अच्छा साउंड वगैरह रहने वाला है। तो इस रीजन से मैं अपने इस ऑयल वगैरह को यूज करता हूँ। बाकी मैं काफी थोड़े आगे आ गया हूँ, ठीक है, अपने कानपुर वाली रोड के हाईवे के थोड़े आगे वगैरह आ गया हूँ। बाकी आप देख सकते हो ये कुछ रहने वाला है लोग, बाकी टायर वगैरह की ग्रिप एकदम फुल काली पड़ चुकी है, ठीक है, और शायद इसमें एयर वगैरह थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने अभी तक चलाया नहीं है ज़्यादा, ठीक है, खड़ी रही थी इस वजह से हो गई एयर वगैरह कम। बाकी मैंने इसको साउंड वगैरह आपको सुना दी है, तो गाइस साउंड वगैरह एक नंबर थी। बाकी वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख ली तो वीडियो को एक लाइक जरूर मार देना हम लोग की मेहनत के लिए। तो यहाँ से मैंने यू टर्न मतलब यहीं से मार लिया अपना दोबारा, ठीक है। बाकी इंजन वगैरह का साउंड एक नंबर है, मोटी लिख के आऊँ सीडी के साथ तो मस्ट रिकमेंड मैं करता हूँ। और टॉप स्पीड पे आप इस ऑयल को दौड़ाओगे ना तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी आपको लिटरली बिल्कुल नहीं आने वाली, बिल्कुल मतलब जो बाइक चलाओगे उतनी तो आती है आप समझ सकते हो, मतलब आपका हाथ फुल इठा जा रहा है मतलब वो सब हो रहा है, तो वो सब इस ऑयल में नहीं होने वाला जो मैंने आपको बता दिया, ये गारंटी आपके बाइक की। बाकी आपकी बाइक में कोई दिक्कत वगैरह हो रही हो तो उसकी मैं मतलब नहीं ले सकता जिम्मेदारी वगैरह। बाकी ऑयल वगैरह मस्त इंपॉर्टेंट एकदम मस्त रहने वाला है, बाकी मेरी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है इंजन ऑयल वगैरह, क्योंकि मैं स्ट्रेच लॉन्ग राइड वगैरह मारता रहता हूँ, मुझे पता नहीं मेरी बाइक कब कितनी चल जाए, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ऑयल वगैरह रहने वाला है। बाकी साइड में एक बार रोकता हूँ और अपनी इस वीडियो को साइड में नहीं रोक रहा मैं, चलते चलते अब इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक ब्लॉग वगैरह बना लिया सिटी में अंदर जाके। बाकी आप देख सकते हो मौसम वगैरह कैसे रहने वाला है। बाकी ब्लॉग वगैरह जरा भी पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक ये सारे भाई लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।